वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, छोटे को ढेर सारा प्यार, बड़े को पैरी पौना जी। गुड आफ्टरनून, क्योंकि मैं आपसे मिल रही हूँ पौने दो बजे, मतलब पूरे दो बजे नहीं, पौने दो बजे, 1:45 PM। और आज आरफ स्कूल नहीं गया क्योंकि थोड़ा सा उसको रात को कोल्ड कफ, हल्का सा फीवर भी था, तो मैंने उसको मेडिसिन दे दी थी, आज स्कूल नहीं भेजा। और अभी नाश्ता पानी हो गया, लकीली मेरा सारा काम हो गया, ऐसा मुझे लग रहा था कि मेरा काम सारा हो गया है। और जैसे ही मैं सफाई वगैरह करके अंदर रूम में आई हूँ अपने अलमारी में से कपड़े निकालने के लिए कि मैं नहाने जाऊँ, तो देखिए ब्रूनो ने जो मैंने कमरा पूरा समेटा हुआ था उसका क्या हाल किया और जाकर कैसे टेबल के नीचे दुबक के बैठ गया, मैं आपको दिखाती हूँ। भाई सबसे पहले तो आप ब्रूनो से मिल लीजिए, ये जो इधर टेबल के नीचे मुँह घुसा कर छुप गया है ना, ये अब सो रहा है। क्यों? क्योंकि ये 1.5 घंटा खूब भागा दौड़ी करके इधर घुस गया और मैं पूरा रूम समेट कर साफ करके आरफ को हाय हेलो कर लो पहले, गुड आफ्टरनून। अभी मैं दिखाती हूँ ब्रूनो उधर क्या करके आया है, देख। तो उधर मैं जब गई रूम में अंदर, तो मैंने क्या देखा कि जो कपड़े मैं तय लगाकर कुर्सी पर रख कर गई थी उन कपड़ों का इसने ये हाल कर दिया। अब ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये सारे कपड़े कुर्सी पर तय लगा के मैंने यहाँ इस चेयर पर रखे थे और ये मुंह से घसीट घसीट के सारे कपड़े और ये चादर देखिए इसने भाग भाग के कैसे इकट्ठी कर दी है। ये जो इसका बैग आप यहाँ देख रहे हैं ऊपर पड़ा हुआ है, ये इधर गद्दे पे पड़ा हुआ था जो ये घसीट कर इसको पता नहीं कैसे ऊपर ले आया, आई डोंट नो इसने क्या किया। और इसकी जो बीच की गद्दी है वो यहाँ पड़ी है। तो मुझे लग रहा था कि मेरा काम ख़त्म हो गया, बट जब मैं वापस अंदर आई हूँ तो ये कमरा कुछ ऐसा सा अनटाइडी और मैसी दिख रहा है, आप देख रहे हैं। और गाइस इतना बदतमीज़ है ये कि टेबल के नीचे मुंह घुसाकर चुपचाप सो गया है कि भाई आएगी देखेगी कि इतना मेस हुआ पड़ा, मुझे डांट पड़ेगी, चिल्लाएगी तो मैं घुस जाऊँ। मतलब अब मैं इसको क्या बोलूँ, गलती मेरी भी है कि मैंने कपड़े तय लगाकर अलमारी में नहीं रखे, मैंने कहा चलो पहले बाहर झाड़ू झाड़ू लगा लूँ उसके बाद मैं इनको रख देती हूँ, तो मेरे आने तक ये सब दोबारा से मेस हो गया। तो फाइनली पहले मैं ये रूम ठीक करती हूँ, उसके बाद मैं आरफ को थोड़ा सा काम कराऊंगी स्कूल का, आज वो गया नहीं है तो मैं देख नहीं पाऊंगी बाद में उसको फिर ट्यूशन की वजह से। तो मैं अभी ये सब काम करा के आरफ को पढ़ाकर फिर मैं मिलती हूँ आपसे। और आज मैंने कॉफ़ी पैक ज़रूर लगाना है फेस पर, क्योंकि कुछ 15 दिन हो चुके हैं मैंने कोई फेस पैक नहीं लगाया और आज मुझे लग रहा है कि टाइम है तो चलो लगा लो। तो कॉफ़ी फेस पैक भी लगा लूँगी और एक बार आपको दिखा भी दूँगी, बहुत बार बताया हुआ है, और उसके बाद मैं आपसे मिलती रहूँगी। गाइज मैंने अपना फेस पूरा वॉश कर लिया और अभी फेस पर कुछ नहीं लगाया हुआ, बिल्कुल क्लीन है एकदम, मुँह धोकर आई हूँ मैं। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कॉफ़ी वाला फेस पैक, बहुत ईजी है। देखिए मैंने एक पाउच कॉफ़ी का लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, ब्रू, नेस्कैफे, मैंने अभी लिया है ब्रू। ये कॉफ़ी का पाउच मैं पूरा डाल दूंगी, इसमें डालूंगी थोड़ा सा एलोवेरा जेल और थोड़ा सा एक चुटकी, चुटकी से भी बल्कि कम, क्योंकि हल्दी है ना फिर वो पीला पीला लगता है फेस, तो बहुत माइनर सा थोड़ा सा चुटकी हल्दी डाल दूंगी, कॉफ़ी और एलोवेरा जेल, तो हमारा फेस पैक रेडी। ये देखिए गाइस, कॉफ़ी, हल्दी और एलोवेरा जेल ये मैंने ले लिया। अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करके अपने फेस पे लगा लूंगी और आधे घंटे बाद नहा धोकर आपके सामने। गाइज ये देखिए ब्रूनो की सोने की पोजीशन, बड़ा बदतमीज, अपनी नींद देखो कैसे पूरी कर रहा है, मेरी जान खा के बदतमीज। बुनो उठ जा बुनी, खाना खाना है, उठो। देखो कैसे बोले खाना खाना है, उठो, ऐसे कर रहे, खा तो सारा लेगा अभी, है ना बांदर कहीं का। और गाइज ये देखिए मैं कॉफी पैक लगाकर बैठी हुई हूँ और आरव को पढ़ा रही हूँ, उसका साइंस का चैप्टर करवा रही हूँ। और आरव देखिए क्या कर रहे हैं, ये महाशय जी अपनी पेट पूजा साथ साथ कर रहे हैं, मैकवटीज के बिस्किट खा रहे हैं, डाइजेस्टिव बिस्किट, हाँ डाइजेस्टिव बिस्किट, वेरी गुड फॉर हेल्थ, राइट। नहीं पहले से तो बहुत फर्क पड़ गया तेरा मटल्ले। चलिए देखिए इसको प्यारे से को बुन्नू को। गाइज ये देखिए मैं ये तवे पर बनाने लगी हूँ आरव के लिए अंडा ब्रेड वाला पिज्जा स्टाइल। यहाँ पर मैंने अंडे को फेंट लिया है, ये 2 अंडे डाले थे और इन 2 अंडों में मैंने थोड़ा सा नमक मिर्च डाला है और इसको अच्छे से फेंट लिया है। और अब इसे मैं पलट दूंगी तवे के ऊपर। यार पैन वैन का चक्कर ना, पैन एक्चुअली मेरे पास है बट वो मैंने बालकनी में ड्रम के अंदर डाल के रख दिया, तो वैसे भी मेरा तवा बहुत बढ़िया वाला है, मस्त एकदम, कुछ चिपकता चुपकता नहीं है तो मुझे पैन की नीड ही नहीं पड़ती। तो ये देखिए मैंने ऐसा फैला दिया पूरा अंडा, अब मैं इसके ऊपर ब्रेड लगाऊंगी 4 टुकड़ों में। देखिए ये देखिए गाइस, ऐसे मैंने ब्रेड लगाई और एक बार पलट दी ताकि वो नीचे से चिपक जाए, लाइक अ गम यू कैन से। फिर ये लगाई और इसको पलट कर ऐसे कर दिया। फिर ये मैंने तीसरी ब्रेड लगाई, इसको पलट दिया और जो बीच का लिक्विड है अंडे का उस पर ये ब्रेड लगाई और इसको ऐसे पलट दिया। अब मैं इसको धीमी आँच पर थोड़ा स्लो करके 2 मिनट के लिए पकने रखूँगी। और यहाँ पर देखिए ब्रूनो के लिए अंडे उबल रहे हैं, तो ये अब हमने सिम पर इसको धीरे धीरे होने देना है। ये देखिए ये अंडे के ऊपर ब्रेड लगाने के बाद ना मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है इसको पलटना, लेकिन मैं आपको इसका भी ट्रिक बताऊंगी कि बिना तोड़े हम कैसे पलटें। गाइस देखिए मैंने स्टील की प्लेट ली है और अब मैं पलटने के लिए ये प्लेट इसके ऊपर रख दूंगी ऐसे,
और फिर तवे को पलट कर पूरा अंडा इस पे आ जाएगा। अभी दिखाती हूँ, ये देखिए प्लेट के ऊपर तवे को पलट दिया और बाद में जो नीचे का हिस्सा था उसको हमने तवे पे कर दिया, तो बिना तोड़े हमारा ये जो ब्रेड ऑमलेट है वो रेडी। गाइज ये देखिए आरफ के लिए गर्मा गर्म ब्रेड ऑमलेट रेडी। अब जी सर खाना, बस इतने से पेट भर जाएगा? मस्त। चलो गाइज मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी नहा धोकर और अभी हुए हैं 3:45। पीछे से आरफ आपको हाय कर रहा है और मैं जा रही हूँ बाबा जी के मंदिर, क्योंकि शाम को फिर बेटी को लेने का चक्कर पड़ता है तो मैं जा नहीं पाती, लेट हो जाती हूँ, तो मैं फटाफट भाग रही हूँ, फटाफट जा रही हूँ और फटाफट जाके आती हूँ। गाइज मैं अभी आई हूँ साईं बाबा जी के मंदिर और आप होकर आती हूँ दर्शन, और मंदिर में काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन में, ये देखिए आई थिंक मंदिर में पेंट हो रहा है और बहुत ही सुंदर बनाया जा रहा है। ऊपर देखिए पूरा गुंबद बना दिया गया गोलाकार में और लाइटें लग रही हैं इसके अंदर, और यहाँ पर झूमर भी लगेगा बहुत बड़ा सा, और ये काम चल रहा है। और ये रहे हमारे बाबा जी की मूर्ति। जय साईनाथ जी, साईनाथ पंडित जी, जय साईनाथ जी, जय साईनाथ जी, जय साईनाथ जी। A few moments later. Guys, हमारे students पढ़ के जा चुके हैं और अभी है काम सारा समेटा समाटी करने का, तो अभी मैंने पूरा घर समेट लिया एक्चुअली और मैं उसके बाद आपसे मिली हूँ। और आज मैंने बनाना है चिकन, क्योंकि कुछ समझ ना आए तो चिकन बनाओ। और ब्रूनो ने भी पेडिग्री वगैरह थोड़ी सी खा ली है, शुक्र है भगवान का कि खा ली। और मंदिर में दिन में ही हुआ थी तो मुझे बाजार की भी टेंशन नहीं, और आज मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा है, अच्छा मौसम है। फाइनली आज लग रहा है कि शायद दिल्ली में भी सर्दियाँ आ सकती हैं, क्योंकि नवंबर मिड निकल चुका है और अभी तक सर्दी का दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। तो अभी एक हमारा स्टूडेंट बड़ा होनहार है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो बैठे हुए ना मास्टर, हाय तो बोल दे, तू तो पहली बार आया है। हेलो मैम, नहीं हेलो गाइस। ये हमारा लाडला थोड़ा पहली बार डांट पड़ी है ना, इसलिए बैठा हुआ आराम से काम करा, और जैसे ही काम हो जाएगा छुट्टी हो जाएगी, तो मैं अभी आपसे मिलूंगी चिकन बनाते हुए। और ये देखिए ब्रूनो क्या कर रहा है, बेचारे को मैंने कुछ खाने के लिए नहीं दिया ना, तो देखो बेल्ट से खेल रहा है, खेल रहा है खा रहा है पता नहीं। ब्रूनी क्या हो रहा है, बनो 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 हुई हो बेल्ट में, तुझे क्या मल्टीविटामिन मिल रहा है? ये देखो इसकी हरकत, ये देखो सारी बेल्ट मेरी चबा मारी है इस लड़के ने, बंदर। गाइस चिकन की आधी प्रिपरेशन कर ली और बाकी मैं काम करते करते करती रहूंगी। तो मैंने प्याज चॉप कर लिए हैं और मैं खड़े मसाले लेकर आई हूँ, मतलब खड़े मसाले तो आपको पता ही है, कच्चे कच्चे जीरा काली मिर्च ये दालचीनी 10-10 के पैकेट आते हैं, तो वो मैं लेकर आई हूँ। 1.5 किलो चिकन है तो उसके अकॉर्डिंग सामान डलेगा। ये देखिए कुकर में सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो गया है, सड़ गया है, अब मैं डालूंगी इसमें खड़े मसाले का पैकेट। ये गया हमारा फर्स्ट और ये गया हमारा सेकंड, क्योंकि जब आप ये खड़े मसाले डाल देते हैं ना तो उसके बाद फिर आपको एक्स्ट्रा अलग से कुछ भी ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके अंदर लौंग काली मिर्च ये फूल तेज पत्ता कड़ी पत्ता सब कुछ होता है, और इनके साथ ही मैं डाल दूंगी प्याज। गाइस देखिए मैंने इसमें प्याज काट के डाल दिए हैं, और जैसे ही अभी ये धीरे धीरे प्याज लाल होना शुरू होंगे मैं टमाटर डाल दूंगी, तब तक मैं टमाटर पीस लेती हूँ। गाइस ये देखिए टमाटर सॉरी प्याज हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं और अब मैं इनमें डाल दूंगी टमाटर। ये देखिए टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया, अब मैं डालूंगी 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और कुछ नहीं बस। आज एक्चुअली मैंने आरफ को भेज दिया इशिका को लेने के लिए, वरना मैं लेट हो जाती हूँ, मेरा खाना बनता है कोई 10:30 के बाद, तो आज भैया पहले मैं खाना बनाऊंगी, तुम जाओ लेने के लिए, चला लेते हो स्कूटी, तो आज मेरा गुरुद्वारे का मिस हो गया, बट चलिया मैंने नहीं किया, वो बेटी ने किया हुआ है, तो बस फटाफट मैं खाना बनाती हूँ, आते इनको भूख लगी होगी चिकन की खुशबू से, तो एक तरफ रोटी भी रख दूंगी एक तरफ चावल रख दूंगी। गाइज ये देखिए चिकन मैंने धो के डाल दिया और इसमें डाला मैंने 1 गिलास भर के पानी, और अब मैं इसे सिर्फ 2 सीटी बजवाऊंगी और हमारा चिकन रेडी बच्चों के आने से पहले। गाइज ये देखिए चिकन बन के ऑलमोस्ट क्या पूरा ही रेडी हो चुका है, 2 सीटी बजवाई थी मैंने, और ये देखिए आप ग्रेवी देखिए, मेरे ना देख के मुँह में पानी आ रहा है एक्चुअली, इसको बोलते हैं रस्से वाला चिकन। और अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। गाइज ये देखिए हमारा आरवी अभी बिजी है खाना खाने में, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं हम, क्योंकि मैं इनको खाना दे चुकी हूँ, कुकर खोलते ही इनको भूख लग गई, हमें भूख लगी है, भूख लगी है। दूसरा हमारा बच्चा पड़ोसियों का साइड पे बैठा हुआ है, वो व्लॉग में आएगी ना। अच्छा हेलो तो बोल दे, ये देखो ये ब्रूनी, और ब्रूनी कहाँ बैठा है आप वो देख ही रहे हो, आधा खाना खा रहा है और अपना खा चुका है ये, अब इसको भूख लग रही है चिकन देख कर। लाडलू मेरा चिकन अच्छा लगा है, टेस्टी था। हाँ जी वो देखो देखो कितने प्यार से हैं, इसको ये चाहिए होता है कि मुझे प्यार से बैठ के ना अपने हाथों से खिलाया जाए। उसने मेरा खाना खाना ही खाना होता है, खाना ही खाना है उसे, तेरा खाना तो खाना ही खाना है ना। हाय हेलो कर देगी एक बार,
अबू ने खा लिया उसने, देख खत्म हो गया। ओके आरव, अब हम कल मिलेंगे। बाय बाय गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी आपसे कल अपने नए व्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। ब्रूनो चढ़ रहा है वापस सोफे के ऊपर खाना खाने के लिए। मिलती हूँ कल आपसे नए व्लॉग में। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय गाइज। आप लोगों से मैंने अभी गुड आफ्टरनून कहने लगी थी, गुड नाइट कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ बच्चे वापस गली में चले गए हैं और अब जाके इनका बैडमिंटन खेलना शुरू हो गया खाना वाना खाने के बाद। चलो वो ठीक है, निपट गए, इतना एंजॉय करते हैं, गली के बच्चे भी आ जाते हैं। तो देखिए गाइज, ये देखिए, ये लगे हुए बच्चे लोग बैडमिंटन खेलने में। देखो 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 देखो, खेरी वीडियो बना रही हूँ मम्मी। आरवी, सैमी, 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 ओए सैमी, ज्यादा एक्साइट हो गया। हाँ, और ये देखिए, मैंने ब्रूनो को अंदर बंद कर दिया था ना, बाहर ठंड में जमीन पे आके बैठ जाता तो भौंक रहा है कि मुझे अंदर क्यों बंद कर दिया। आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, दो मिनट में आ रही हूँ बस, अभी आई। आंखें कैसे चमक रही है इसकी, गॉड।